देश विदेश में फैले हुए सभी हमारे दर्शक, चहेते सर्प प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, उनको नाग पंचमी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी गुरुकुल इकोटेक टीम की ओर से और हमारी साफों की तरफ से भी। देखिए, एक मकसद लेकर हम इस काम में आए और आप सब जुड़ गए, मतलब साफ से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति या नागरिक हम अपना परिवार मानते हैं, तो ये काम आपके बिना अधूरा था। आप कितनी भी बात करते, सुनने वाला नहीं है तो उसको कीमत ही नहीं रहती। तो YouTube के द्वारा हम यहाँ पर आए, एक प्लेटफॉर्म मिला और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला और हमें हिम्मत और इस काम को सराहा, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। नागपंचमी आपके लिए त्यौहार है और हमारे लिए हर दिन का एक मिशन है। हर दिन हम जो शुरुआत होती है दिन की, तो सांपों को बचाना है और ये इस जज्बे के साथ, भावनाओं के साथ जुड़े हैं, इसलिए 18 साल टिके हुए हैं। और ये काम जब मेरे हिस्से में आया, तब मुझे लगा कि कोई स्पेशल काम या देशभक्ति का मैं काम करूं तो ये वो है और इसमें मैं कैसे देश की सेवा कर सकता हूं। तो सांप को पकड़ना तो मेरा एक हॉबी हो सकता है, लेकिन उसको बचाना हमने राष्ट्रीय कर्तव्य माना, अपना फर्ज माना और ये काम अपने सिर पर लेके हम चल पड़े। बहुत सारे आपके जैसे लोग इसमें जुड़ गए और हम यहाँ तक आगे पहुंचे, इसलिए जितना आपके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें कम है। देखिए, हाल ही में स्टोरीकास्ट टीम हमारे साथ में थी और उन्होंने भी, मतलब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातें सुने, सांपों की जानकारी सुने और उनमें फर्क, परिवर्तन आ जाए। तो स्टोरीकास्ट टीम हमारे साथ आई और पूरे नए युवा थे और उन्होंने हमारी स्टोरी, और साथ ही में आपके भी कमेंट थे कि ये हमारे साथ शेयर हो जाए, तो इसका लिंक भी हम भेज रहे हैं, तो आप उसमें, उस स्टोरी कास्ट में हमने क्या किया है, क्या बोला है, वो भी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये काम जो हम हमेशा कहते हैं कि सांप और हमारे बीच में एक दीवार बनी हुई है गलत फहमी की, उसको गिराना ज़रूरी है और सही में सांप अब तक पहुँचाने का एक मिशन है। तो वही मकसद लेकर हम चल रहे हैं। हो सकता है आपकी उम्मीद पर हम खड़े उतर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा जो मिशन है, सांपों की सच्चाई पहुंचाकर लोगों की और साथ में सांपों की जान बचाकर पर्यावरण को समान रखना है। सभी दर्शकों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके महिलाएं भी हमारे मतलब हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम नागपंचमी में पूजा वगैरह करते हैं, उस दिन के लिए बस पूजा करके छोड़ देंगे ऐसा नहीं, तो हर दिन सांप दिखने के बाद हम सांपों की रक्षा करना, उनको बचाना, और हर दिन पूजा किया तो भी अच्छा रहेगा और सांपों को मारना कम हो जाएगा, यही हमारा मकसद है। तो आप हर दिन नागपंचमी मनाओ। धन्यवाद।